उपवास में है, साधना में है, अन्य 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 स्थितियों से जुड़े हैं। एक वेव हमारा सिद्धांत पा लेना, उसको पा लेना, उस परम को पाने की चेष्टा कर बैठे हैं हम, और बिल्कुल सही कर बैठे हैं। लेकिन बार बार, हर बार, हर रात्रि में अपने आप से बात कीजिए कि जिस रास्ते पर मुझे जाना है, आज मैंने उस रास्ते पर जाने वाला काम किया ना। ये प्रश्न अपने आप से अगर हम प्रतिदिन नहीं कर रहे हैं, देन देयर मस्ट बी ए प्रॉब्लम। वहां कोई समस्या जरूर घट सकती है, चेक तो करना पड़ेगा। निरंतर अपने आप से बात करिए, निरंतर अपने आप को चेक कीजिए। और अगर हम बात नहीं कर रहे अपने आप से, अपने आप को चेक नहीं कर रहे, तो आप समझ लीजिएगा गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि कई बार हम कोई कार्य करते 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 उस कार्य के प्रति इतने पक जाते हैं कि वो हमें सच लगने लगता है। हो सकता है वो किसी तरह से गलत हो गया हो, लगभग उसको सही मान लेते हैं, क्योंकि वो प्रक्रिया में आ जाता है। और जब कोई कभी जिंदगी का कोई ऐसा लक्षण आए, जब कोई कृपा हो जाए, कोई कहे नहीं भैया आप गलत कर रहे हो, आपके ओ तो 17 साल से ऐसा कर रहे हैं। इसलिए क्यों 17 साल, क्यों मतलब जो भी है, हम निरंतर प्रतिदिन रात को इस बात का चिंतन, इस बात का दर्शन जरूर अपने जीवन में लाए कि जो भी हम कर रहे हैं, जो आज हमने किया, क्या उसमें ईश्वर के मार्ग तक पहुंचने में या ईश्वर तक पहुंचने में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई आज हमसे। चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक कीजिए, आपके द्वारा कोई ऐसा कृत्य तो नहीं हुआ, आपके द्वारा ऐसा कृत्य तो नहीं हुआ। क्या ये बात हम अपने आप से प्रतिदिन कर रहे हैं? वो ठीक है, हम भाव में कहते हैं, भाव है लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो लगन लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, वो तो उस रास्ते की बात है, लेकिन रास्ता तो सही हो तब तो देखा जाएगा। दिशा सही होगी तो दशा सही होगी। और ये दर्शन जब तक अपने जीवन में नहीं आएगा, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हम संन्यास में आ गए हो या किसी अन्य कार्य में पहुंच गए हो, हर काम में इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आप जो भी कर रहे हैं, आप इसको चेक कीजिए कि आज हमने सारे दिन में जो किया वो ठीक था या नहीं था। और अगर ठीक नहीं था, अगर ठीक नहीं था, तो अपने आप से ये प्रॉमिस करें, नहीं हम इसको अभी से ही सुधार में शुरू करते हैं, कल से हम ये काम। तो आप देखना, आप धीमे 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 आप ग्रेजुअली आप देखेंगे जो काम 20-50 सालों में होने वाला था वो आप 6-8 महीने में कर लेंगे और हो जाएगा। प्राप्ति बड़ी चीज नहीं है, प्राप्ति के लिए किए गए कार्य कर्म बड़ी चीज है, प्राप्ति बड़ी चीज नहीं है। हम और आप इसी उसमें है ना कि भगवान कभी एक बार है, एक बार यही चाहते हैं इसी जीवन से प्रत्यक्ष भगवान का एक बार तो कम से कम क्या हो जाए, दर्शन हो जाए। ये है ना, मन में है, बाहर है, जो भी कुछ है। तो हालांकि हमारे वैदिक परंपरा में भगवान के दर्शन, भगवान की प्राप्ति बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना गया, हमारे यहां मोक्ष महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन अगर भगवान की प्राप्ति की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए ऐसे ऐसे संत हमारे यहां हुए हैं जिनको एक बार नहीं अनेकों बार भगवान के दर्शन हुए। नामदेव जी को 56 बार भगवान के दर्शन हुए, 56 बार नामदेव जी को। हम एक बार की बात कर रहे हैं, सोचिए आपके नरसिंह मेहता जी को 52 बार दर्शन हुए थे भगवान के, 52 times। और वो छोड़िए, ये तो संतों की बड़ी श्रृंखला हो गई, नामदेव के यहां काम करने वाली एक दासी, वो अपने आप को दासी ही कहती थी,
और वो कोई पेड़ नहीं थी, मतलब तनखा वाली नहीं थी, वो तो स्वतः ही अपने आप को वहां सौंप दी थी। इसलिए कि इतने संतों का जमावड़ा रोज होता है, सत्संग होता है, भजन होता है, मेरी ओर से मैं वैसे तो कुछ कर नहीं सकती, मेरे ओर से मेरी तन सेवा हो जाए तो झाड़ू करना, पोछा करना, ये करना, वो करना, और सत्संग में इतना उसका प्रगाढ़ मन लग जाता कि वो सत्संग ना मिले तो ऐसा लगता था उसको आज मैंने कुछ किया ही नहीं। और उसी जनावाई को भगवान ने क्या नहीं किया, उसके साथ दर्शन भी दिए, उसके साथ कपड़े भी धुलवाए, उसके साथ कंडे भी थपवाए। क्यों? क्योंकि जो मार्ग पे चलने का साधन था वो सदगुरु के रूप में नामदेव जी मिल गए थे। आप सोचिए संपर्क कितना कितना महान होता है, कितना महान होता है। एक बार तो सूक्ष्म शरीर से श्री कबीर जी पहुंच गए थे जनाबाई की सिद्धियों को देखकर। संत कबीर ने ध्यान में एक दिन वो ध्यान में आ गई, वो टकरा गई, वो कहां और वो कहां महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ी सिद्ध कोई दिखती है, तो अपने सूक्ष्म शरीर से अपने दिव्यता से वो वहां पहुंच गए और वहां पहुंच गए और वहां पहुंच के उन्होंने क्या देखा कि दो स्त्रियां लड़ रही हैं, दोनों में भारी लड़ाई चल रही है। तो स्त्रियों की लड़ाई तो आप समझ लो, वो भी गांव में कैसी चलती होगी। जयराम जी, अब कबीरदास जी दे रहे हैं इनमें से एक, इन दो में से एक जनाबाई है जो उन्हें दिखी, मगर जनाबाई ये कैसे हो सकती है, तो बड़ी सिद्ध है, उसकी और खिंचकर मैं अपने दिव्य शरीर से यहां पहुंचा हूं। फिर भी उन्होंने थोड़ा सा रोक के पूछा आपका परिचय। बोले मैं जनाबाई हूं। आप ही हाँ हाँ मैं ही जनाबाई हूं, आप बोलो आप क्यों लड़ रही हो। बोला आपको क्या लेना देना, इसने मेरे कंडे चुराए, इसने मेरे कंडे चुराए हैं और मैं इससे अपने कंडे लेकर रहूंगी, उपले लेकर रहूंगी। बोला आप तो बड़ी सिद्ध है, मैंने जितना जाना है और आप उपलों के लिए कंडों के लिए लड़ रही हो। जनाबाई बोलती हां लड़ूंगी, 10 बार नहीं 100 बार लड़ूंगी। आप कौन, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, इसने मेरे कंडे चुराए। कबीर कहते हैं वो सब ठीक है, लेकिन देखो अब कंडे तो आजकल की व्यवस्था में है कि आप पैसों से लाते हैं, पहले थोड़ी ना पैसे वैसे से, वो तो कंडे तो सबके घर में होते थे, इतना कोई बहुमूल्य तो है नहीं है भाई, और आ जाएंगे। बोला और नहीं आएंगे, मुझे तो मेरे ही कंडे चाहिए। तो कबीर कहते क्यों, इसमें ऐसा क्या है तेरे कंडों में, और अब तू कैसे जान पाएगी तेरे कंडे। बोला मैं जान पाऊंगी, मैं जान पाऊंगी। कैसे जान पाएगी? बोला मेरे एक एक कंडे को उठाओ और कान से लगाओ, हरि विठला की आवाज आएगी। आवाज आएगी। कबीर सटपका गए। कबीर कहते हैं तू सच कहती है। बोला उठाओ कंडे, ये बताती हूं मैं। वो कुछ कंडे उठाए, कुछ में आवाज नहीं और कुछ वास्तव में हरि विठला हरि हरि भगवान की आवाज आ रही है, धुन चल रही है, उसमें भजन चल रहा है उसमें। कबीर सकपकाए से सामने खड़े हैं। क्या हुआ, आवाज आई कि नहीं आई? आई आई आई, आवाज आई। बोला मैंने कहा था इसने मेरे कंडे चुराए। बोला हां बात तो सही है, तो मेरे कंडे में लेना चाहती हूं। फिर प्रश्न पूछा, अच्छा ये बताओ इसका क्या होगा। बोला संतों का भोजन बनता है, ये कंडे वहां जाएंगे उनके भोजन में लगेंगे। बोला और इसको, बोला ये तो इसके यहां तो ठाकुर जी की सेवा ही नहीं है, तो ईश्वर को मानती नहीं है, तो ऐसे असिद्ध के यहां मेरा तप क्यों चला जाए जिसको मतलब ही नहीं है ईश्वर से। अरे ये तो संतों की भूख प्रसादी के लिए मैं तैयार करती हूं रोज, वो इतना भजन कर करके पूरे 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 जगत को जो सुंदर कर रहे हैं, जगत के प्रति, जगत में भगवान के प्रति इतना आह्लाद प्रेम कर रहे हैं, ये तो मैंने उनके लिए बनाए, ये तो मैंने उनके लिए बनाया।
सोचिए, कोई सिद्धि नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ जाकर काम करती रहती और सत्संग सुनती रहती संतों का, और कल्याण हो गया, और कल्याण हो गया। इसलिए जब भागवतम में हम प्रथम दिन प्रवेश कर रहे थे तो जो चर्चा आ रही थी उस चर्चा में, वही चर्चा में फिर कहूं, कुशल शौन कोश प्रवेता, कथा सुनने में शौन का अधिक कुशल है, कथा सुनने में कुशलता बहुत जरूरी है। कुशलता जरूरी है। सोचो वो 50 काम भी कर रही है लेकिन कथा पूरी कुशलता से सुनती थी, और ऐसी सुनी कि उसका जीवन धन्य हो गया। एक दिन तो संतों की सेवा के कपड़े बहुत सारे थे, चंद्रभागा नदी पे जब धो रही थी और उसको समझ में आ गया कपड़े भी बहुत हैं, सत्संग छूट जाएगा, अब मैं क्या करूं, रोने लगी।